में परिजन महाराज कहाँ हो तुम आज? आज तुम लोग सुन ही नहीं रहे। आज सुने कहाँ थे? लॉटरी लगा लग लगी तो को देखे कथा को समय तो आज सब पूरा ध्यान बजी भाई बैठ कब आए? हाँ आज आप लोग सुन ही नहीं रहे हो। परिचय जी जो कह रहे तुम जो कुछ हो सो बनी रहे तो भाई कथा कहो। हाँ आज खाता खोली गो तो खोलो राम देव बंद मत करवाओ। तब सीधी सीधी कथा ही थे आज जीरो बैलेंस पे खाता खोलो सबको। हाँ बिना रुपया के खाता खोलवाओ फिर वो मैं अपने आप रुपया आए जा जो ही सिस्टम है। अच्छा तो सुनो कहा जाता है कि गोवर्धन महाराज की भगवान ने पूजा क्यों कराई? तो भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा इसलिए कराई क्योंकि महाराज तो त्रेता युग में जब राम जी लंका में जाने के लिए सेतु बना रहे थे तो जब राम जी सेतु बना रहे थे तो महाराज जितनी भी वानर सेना थी वो छोटे छोटे पत्थर ला करके सेतु में लगा रहे थे। और परिचन महाराज जब सेतु में पत्थर लगा रहे थे तो हनुमान जी चले तो हनुमान जी को और तो कछु नहीं दिखाई दो। हनुमान जी ने जो गोवर्धन पर्वत ही उठाए लाए अब गोवर्धन पर्वत उठाए गए हनुमान जी चलने लगे और जब हनुमान जी चलने लगे तब तक सेतु पूरा बन चुका था। तो तब तक राम जी का आदेश आ गया हनुमान तुम जो कुछ भी पर्वत ला रहे हो या पत्थर ला रहे हो वो तुम वही रख दो क्योंकि सेतु पूरा बन चुका है। तो हनुमान जी वही गोवर्धन पर्वत वही रखने लगे और जब वही पर रखने लगे तो गोवर्धन पर्वत रोने लगे और जब गोवर्धन पर्वत रोने लगे दादा वही चला दोबारा से खुश रहो। तो गोवर्धन पर्वत जब रोने लगे तो हनुमान जी बोले रोए काहे को रहे हो? तो गोवर्धन पर्वत ने कहा रोए तो हम जासो रहे हैं कि हम अगर सेतु में लग जाते तो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ जाते तो मेरे भाग खुल जाते लेकिन मेरा तो भाग ऐसा है ही नहीं जो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ जाए। तो खबर पहुंचाई हनुमान जी ने राम के पास में पर्वत रो रहा है तो राम जी ने तब वरदान दिया गोवर्धन पर्वत को कि सुना त्रेता युग में अगर तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाए कोई बात नहीं लेकिन द्वापर जब आएगा तब मैं कृष्ण का अवतार धारण करूंगा तब मैं अवतार लेकर के पृथ्वी पर द्वापर युग में आऊंगा तब मैं तुम्हारी पूजा भी कराऊंगा और तुमको मैं अपने ऊपर धारण करूंगा और अगर त्रेता युग में तुम मेरी सेवा में लग जाते तो तुम नीचे होते और हम ऊपर होते लेकिन जब द्वापर आएगा तो इसका उल्टा होगा मैं तुम्हारी पूजा द्वापर युग में कराऊंगा और जब मैं तुमको धारण करूंगा तब हम नीचे होंगे और तुम ऊपर होगे। इसीलिए महाराज भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज की पूजा कराई। बोले गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा बाबा पूजन करना है तो गोवर्धन महाराज का करो। तो बाबा नंद ने और सारे वृंदावन वासियों ने महाराज भगवान कन्हैया की बात मान ली। तो वृंदावन वासी बोले लाला मैं तेरी बात तो मान ली गोवर्धन पर्वत को पूजन कर दी लेकिन अगर इंद्र नाराज हो गए फिर? भगवान बोले चिंता ना करो इंद्र को तो हम बाद में देख लिए। आज सारे वृंदावन वासी पूजन करने के लिए तैयार हुए जो सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे वो सारे पकवान लेकर के आज बड़े ही आनंद से वृंदावन वासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जाने लगे। 51 रुपए चिराग सनो प्रवीण कुमार नगला हिम्मत से इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे वृंदावन वासी झूम करके नाचते हुए गाते हुए गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जाने लगे।